ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। भवन निर्माण के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी सेवा गुणवत्ता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को 23 साल से निभा रही है। कंपनी अपनी साइट्स पर स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखती है। इसके लिए कंपनी अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती रहती है। इसी कड़ी में कंपनी ने रेजिडेंशियल डिवीजन अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। लंबी चर्चा के बाद महसूस किया कि यह प्रोग्राम बेहद ही उपयोगी और जानकारी देने वाला रहा। देखिए यह रिपोर्ट। भवन निर्माण के क्षेत्र में जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन ने अपने सेवा के 23 साल पूरे कर लिए हैं और अब वे सिल्वर जुबली की तरफ बढ़ रही है। ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन ने इस सफर में निरंतर सफलता तो हासिल की ही है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भरोसा भी बनाया है। कंपनी अपने उपभोक्ताओं का तो ख्याल रखती ही है, अपनी साइट पर हर स्टाफ और कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण का भी विशेष ख्याल रखती है। इसके लिए कंपनी अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती रहती है। इसी कड़ी में ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा हाल ही में रेजिडेंशियल डिवीजन अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कंपनी के MD अनिल यादव ने कंपनी के 23 साल पूरे होने पर अपनी टीम को बधाई देते हुए कहा कि टीम भविष्य को लेकर आगे बढ़ना है। अब दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन का इशू है उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जो हमारी रेजिडेंशियल साइटें हैं, कोठियों की साइटें हैं, तो उसके अंदर में अलग अलग छोटी छोटी साइटें हैं, सबको हम इकट्ठे बैठ के संदेश देना चाहते हैं, तैयारी कराना चाहते हैं कि हम भी दिल्ली में रह रहे हैं और हम इतने काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर निर्माण की जो हमारी साइटें हैं उनसे किसी भी तरीके से एयर पोल्यूशन में इजाफा ना हो और हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमारा मूल उद्देश्य था आज की बैठक। इस रेजिडेंशियल डिवीजन अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोगों को पर्यावरण और सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। अनिल यादव ने कहा कि उनकी और उनकी टीम का यह प्रयास रहेगा कि कंस्ट्रक्शन साइट से दिल्ली के प्रदूषण में धूल मिट्टी का योगदान ना रहे, कर्मचारी स्वस्थ रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डेंगू से बचाव के नियमों का भी पालन साइटों पर होता है। उन्होंने आगे कहा कि हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान केवल साइटों पर ही नहीं बल्कि वर्कर्स के रहने की जगह पर इस बात का पूरा ध्यान दिया जाता है कि उनकी हेल्थ और सेफ्टी नजरअंदाज ना की जाए। इनके रहने की जगह पर मॉस्किटो फॉगिंग, LED लाइट, साफ सुथरे टॉयलेट व सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहते हैं। हमारे पास में हमारी साइटें जो है जहाँ पे लेबर रहती है या नजदीक रूम लेके रहती है, तो हम उसके अंदर में हम इंश्योर करते हैं कि उनको रहने के लिए जो प्रॉपर पक्के मकान की उस चीज़ की उसमें रहे या साइट पे रहे तब भी चादरों के उसमें अच्छा मकान बना हुआ हो, प्रॉपर लाइट हो उनके लिए, वॉशरूम्स बने हुए हो, खुले में शौच में नहीं जाना अलाउड, हमारी साइटों पे किसी भी तरह का चूल्हा जलाना मना है, गैस पे ही छोटे सिलेंडर के उससे खाना बनता है, LED लाइट्स का प्रयोग करते हैं और पीने के पानी की प्रॉपर व्यवस्था रखते हैं। इसी के साथ साथ हम समय समय के ऊपर अपने अपने फॉगिंग मशीन से, हमारे पास बाकी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट है जो सेफ्टी काम करता है, तो हम उनको चाहे वो डेंगू के हैं, चाहे वो बाकी मच्छरों की या और चीज़ों की, उसके अंदर भी हम फॉगिंग लगातार कराते हैं और ध्यान रखते हैं कि हमारी लेबर ठीक रहे, सुरक्षित रहे। और सुरक्षा के अंदर जो शुरुआत के अंदर डमी आप देख रहे हैं सब सारी चीज़ें, इसमें भी कोशिश करते हैं हम कि वो सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखते हुए PPE किट पहन के काम करें और खुश लेबर ठीक रहेगी तो हम भी ठीक रहेंगे, काम भी अच्छा होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम में सरकार द्वारा एंटी डस्ट अभियान NCT की दिशा निर्देश की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा वर्कर्स को कोरोना से बचाव के उपयोग के साथ साथ ये भी जानकारी दी गई कि वे कैसे अपने आप को मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत रख सकते हैं। HR मैनेजर सारिका वर्कर्स को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में एडमिन सीमा नेगी ने शीर्ष मैनेजमेंट का परिचय कराया। सुरक्षा अधिकारी सोनू आर्या ने स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए। सीनियर फोरमैन अब्दुल ने कार्य में जागरूकता से संबंधित बातें बताई। वरिष्ठ प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद, नीरज शर्मा, संदीप गुप्ता, अजय गुप्ता, सोहन सिंह ने अपने अपने विभागों के बारे में जानकारी दी। कंपनी की यह विशेषता है कि इससे जुड़ा हर शख्स पूरी तरह सतर्क
और सावधान और जिम्मेदार रहते हुए एक दूसरे से जज्बाती रूप से जुड़ा है। जाहिर है कंपनी की सफलता यह एक बड़ा राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।